राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आरसपुरा के सरपंचों ने सरकार द्वारा पंचायती राज को मजबूत करते हुए उठाए गए कदमों की सराहना की। वह उनका कहना है, सरकार को सरपंचों पंचों में पूरे अधिकार देने की जरूरत है ताकि पंचायतों का विकास हो सके। अपनी तरफों, अपनी एसोसिएशन की तरफों सभी पंच और सरपंचों को मुबारकबाद देता हूँ और जम्मू कश्मीर की आवाम को, अपनी पंचायत की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूँ, वेलकम करता हूँ, जो उन्होंने 3-टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकल कदम उठाकर यहाँ पे स्थापित किया। जो 3-टायर सिस्टम है उसमें पूरी तरह अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ग्रास रूट लेवल तक, क्यों पंचों और सरपंचों का मेन रोल है 3-टायर सिस्टम में और पंचों सरपंचों को अभी गवर्नमेंट जो है अपने अतमाद में नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी एक बड़ी स्ट्राइक हुई अपने प्रोटोकॉल के लिए डिस्टर्ब के जो मेंबर हैं और डिस्टर्ब जो चेयरमैन हैं उन्होंने, मगर ये 3-टायर सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है जहां पंच और सरपंच हैं बेस, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की नींव जो होती है वो नींव से ही रखी जाती है बिल्डिंग, मगर पंचायत जो 3-टायर सिस्टम है वो उसका पहला जो फेस है वो पंच और सरपंच ही हैं, मगर इनको अभी इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्लान लिए जा रहे हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी है, चाहे डायरेक्टर है, ACD है, चाहे DPO है, कि इनको इतमाद में लेके प्लान नहीं जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि एंडिंग अप्रैल आने लगा है, मगर अभी तक सरकार ने पंचों और सरपंचों से प्लान नहीं लिया है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को चेताना भी चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जितने भी प्लान हैं वो पंचायत लेवल पे होने चाहिए, पंचायत ही उसकी निशानदेही करेगी, क्योंकि सबसे जितने भी फेस हैं, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है, उसके पहले जो है पंच और सरपंच है वो, उनको पता है ग्रास रूट लेवल पे कौन सा काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कौन सा काम जो कि पहले जरूरी है, ना कि एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को, ना कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, और जो भी प्रायोरिटी फिक्स की जाए वो सरपंच और पंच की रिकमेंडेशन में की जाए। और मैं एक बार दोबारा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को और सभी पंच सरपंच भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ पंचायत डे की, और कामना करता हूँ कि जो 3-टायर सिस्टम है ये गवर्नमेंट पूरी तरह लागू करेगी और हमारे लोगों की जो मुश्किलें हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे मेडिकल में है, चाहे वो PHE में है, चाहे फ्लड एंड कंट्रोल, जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट में जिनकी रिक्वायरमेंट है ग्रास रूट लेवल पे पंचायतों में, वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। इन्हीं शब्दों से मैं कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने अभी तक जो की खबर नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।